अगर आप भी अपने फ़ोन से वीडियो को एडिट करते हैं तो आपको पता होगा कि काइन मास्टर से भी एक अच्छी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जिसका नाम है Adobe Premiere Rush। लेकिन यह जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन हैं जिनमें यह एप्लीकेशन काम नहीं करता है, ठीक है। ये हाई फाई मोबाइल जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 10, 11, 12, 13 इस तरीके का जो एंड्रॉयड वर्जन होती है उन लोगों के फ़ोन में यह एप्लीकेशन जो है सपोर्ट करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी कंपनी के एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आपका कोई भी एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है तो Adobe Premiere Rush एप्लीकेशन को हम लोग अपने फ़ोन में किस तरीके से रन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली तरीके से आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कीजिए, ठीक है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है Adobe Premiere Rush APK Mirror 9.0। अब 9.0 इसलिए आपको लिखना है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 9 से आगे है, यानी 9, 10, 11, 12 इस तरीके से है, तो आपके फ़ोन में यह एप्लीकेशन काम करने वाली है। जैसे कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन में यह एप्लीकेशन नहीं काम करने वाली है, लेकिन अगर आप APK Mirror से डाउनलोड करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में काम करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन को चेक कर लीजिए। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आपका एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा फ़ोन जो है एंड्रॉयड वर्जन 10 है और मैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला हूँ Adobe Premiere Rush और एंड्रॉयड वर्जन 9 से सपोर्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ APK Mirror वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ तो ये काफ़ी आसान तरीके से मेरे फ़ोन में काम करने वाली है। तो आपको भी इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में चेक कर लीजिएगा कि आपका अगर फ़ोन एंड्रॉयड वर्जन 8.7 है तो आपके फ़ोन में Adobe Premiere Rush नहीं काम करने वाली है। इसीलिए आप अपने फ़ोन में अबाउट फोन में जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। चेक कर देने के बाद APK Mirror पर आने के बाद आपको ढेर सारे ऐसे वर्जन दिखाई देते हैं। तो देखिए Adobe Premiere Rush यहाँ पर मुझे जो है 9.0 का जो वेरियंट होती है वो मुझे मिल चुकी है। मैं चलिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ ऐड्स आते हैं जिन्हें क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डाउनलोड APK का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके फ़ोन में यह एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया हूं। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल करने में देख रहे हूं कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है और इसे इंस्टॉल कर हम अपने फ़ोन में बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में Adobe Premiere Rush एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।